हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चारुजैन। वेलकम टू DPSC लर्नर्स। तो बात करेंगे आज हम प्री फाइनल्स आंसर शीट के बारे में, जो आपकी सब्जेक्ट हेल्थ एंड न्यूट्रिशन की रहेगी। जो आपका सब्जेक्ट है चाइल्ड हेल्थ केयर न्यूट्रिशन DPSC फर्स्ट ईयर का, उसकी मैं आपको आंसर शीट दिखाऊंगी। इसके अलावा अब मैंने DPSC फर्स्ट ईयर की ही एक आंसर शीट और क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दिया है, जो मेथड्स एंड मटेरियल क्या है। अगर अभी तक किसी ने नहीं देखा है तो मैं वीडियो के एंड में एक कार्ड दे दूंगी, उस पर क्लिक कर देना, वहाँ आपको मिल जाएगी वो वीडियो। या फिर आप क्या कहते हैं, मैंने DPSC फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम करके कुछ एक प्लेलिस्ट बनाई है, तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। मैंने लिखा है DPSC प्री फाइनल्स फर्स्ट ईयर, तो वहाँ चेक कर लेना, वहाँ भी मिल जाएगा मेरे चैनल पर जाकर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का जो पेपर हुआ था वो 50 मार्क्स का है। 50 मार्क्स का है। अब इसमें भी मैंने पहले शॉर्ट आंसर्स यानी वेरी शॉर्ट जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव आते हैं वो किए थे। ये देखिए, मेरे को 38 मार्क्स मिले थे इसमें, और साथ साथ मुझे वो कमेंट जो मिला था वो मिला था गुड अटेम्प्ट। मैंने कंक्लूजन्स ऐड नहीं किए थे। तो ये देखिए, क्वेश्चन वन हमारा आता है, ये सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कौन से होते हैं, जो हमारे 1 मार्क्स के होते हैं। अब इसमें 1 मार्क्स है यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 आपको टोटल 7 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। जो 75 और 100 मार्क्स पेपर होता है उसमें आपको 1 मार्क्स वाले 10 क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन जो 50 वाला है उसमें आपके 7 क्वेश्चंस आएंगे। तो डोंट वरी, मैं आपको सिर्फ वे ऑफ राइटिंग आंसर्स दिखा देती हूँ। क्वेश्चन आप अभी मैं क्वेश्चन पेपर अपलोड करूँगी तो देख लेना, और क्वेश्चन वैसे मैं साथ साथ बताऊंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन का मैंने आंसर लिखा है नाइट ब्लाइंडनेस। तो नाइट ब्लाइंडनेस क्वेश्चन आई थिंक यही होगा कि इस विटामिन की, कौन से विटामिन की कमी से, या फिर कोई पर्टिकुलर विटामिन दिया होगा उससे कौन से डिसीज होती है। नेक्स्ट है मेरा बैसिलस कैलमेटिक कैलमेट क्यूरिन, यानी मुझे फुल फॉर्म बतानी थी BCG की। उसके बाद थर्ड है मेज राइस बाजरा जोवर, मतलब आपको शायद सीरियल्स वगैरह के इसमें या वाइटमिन जिससे ये चीज़ें मिलती हैं उसका एग्जांपल देना था। अब उसके बाद है कौन सा वाटर जो है हमें पीना चाहिए या इस टाइप से कुछ होगा, तो इसलिए पोटेबल वाटर लिखा है मैंने। कोलेस्ट्रॉल, ये क्वेश्चन होगा कि गुड मिल्क किसे कहते हैं या गोल्डन मिल्क किसे कहते हैं, दैट इज़ कोलेस्ट्रॉल। और आयरन, ये भी कोई वाइटमिन से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, तो यहाँ पर मैंने ये आंसर लिखा है। उसके बाद है कॉड लिवर ऑयल, एग वाइट, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, ये भी कोई से वाइटमिन के एग्जांपल्स पूछे हैं तो उसका मैंने आंसर लिखा हुआ है। तो आप पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 यानी पार्ट 2 की तरफ। तो उसको पढ़ने से पहले आपको ये देखना है कि ये देखिए मैंने ऐसे लाइन डाली है, आपको ऐसे लाइन डालनी है। मैंने अभी डाली है क्योंकि मैंने पहले बताया था फर्स्ट ईयर में हम लोगों को इतना एक्सपीरियंस नहीं होता और मुझे कोई गाइड का, मतलब बेसिकली DPSC जिस मतलब जो था हमारा DPSC कोर्स, उस टाइम पे जो हमने कोर्स स्टार्ट किया था ये कोर्स नया आया था, नया इन द सेंस इसका नेम चेंज हुआ था, पूरा करिकुलम चेंज हुआ था, पुराना कुछ भी नहीं था इसका। तो थोड़ा सा जब कोई नया चेंज आता है तो डिफरेंस आता है, इतना एक्सपीरियंस नहीं होता। सेकेंड ईयर में आई और एक्सपीरियंस आ गया, देन अब तो मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ तो अब तो फुल एक्सपीरियंस है इस चीज़ का। तो ये देखिए, अब हमारा क्वेश्चन 2 है, व्हाट डू यू मीन बाय गुड हेल्थ, और आपको पूरा साइंस ऑफ गुड फिजिकल हेल्थ मेंटल हेल्थ को एक्सप्लेन करना है। तो ये देखिए, अगर आप लोगों के पास नोट्स नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हो, बहुत ईजी वे में लिखा हुआ है। और मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि मैं अपना आंसर एक कोट से लिखूँ, तो ये देखिए मैंने यहाँ पे कोट लिखा हुआ है ब्लैक पेन से, आप चाहें तो इसको बबल में भी कर सकते हो। तो ये देखिए मेरा पूरा हेल्थ के बारे में है, आई थिंक ये विजिबल है। उसके बाद मैंने हेल्थ का डायग्राम बनाया कि ये ट्रायंगुलर होता है, फिजिकल सोशल और हमारा मेंटल। उसके बाद आता है साइंस ऑफ गुड हेल्थ, तो साइंस लिखने है गुड हेल्थ के क्या क्या साइंस होते हैं, गुड फिजिकल हेल्थ के बेसिकली। फिर आपको लिखने है गुड मेंटल हेल्थ के और गुड सोशल हेल्थ के। ये 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, तो 2 मार्क्स में ये देखिए मैंने कितना लिखा है, फिर मेरे को फुल 2 मार्क्स मिला, अदरवाइज मेरे टीचर मुझे 1 या 1.5 देती अगर मैं इतना नहीं लिखती। ये देखिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन वाइटमिन्स, तो वाइटमिन्स की डेफिनेशन देनी है और वाइटमिन्स के मैंने टाइप बता दिए। स्टिल ये देखो, मैंने यहाँ पर भी लिखा वाइटमिन्स के बारे में ये रहा, और मैंने वाइटमिन्स के बारे में यहाँ भी लिखा है, फिर भी मुझे 1.5 मार्क्स मिले हैं। सो इसलिए बोलती हूँ कि अपने आप को सेफ साइड पर रख कर चलो और जितना आता है लिख दो।
क्वेश्चन था इम्पोर्टेंस ऑफ स्लीप. तो इम्पोर्टेंस ऑफ स्लीप में देखिए मैंने इतना सारा इंट्रोडक्शन लिखा, ये देखिए आपको दिख रहा होगा, इतना सारा इंट्रोडक्शन लिखा, उसके बाद फ्लो चार्ट बनाया, देन मुझे यहाँ पर एक रिमार्क भी मिला, वो था ट्राई टू डिस्क्राइब दीज पॉइंट्स, मतलब इस पॉइंट्स को भी मुझे डिस्क्राइब करना था अकॉर्डिंग टू माई एग्जामिनर. तो उन्होंने मुझे 1.5 मार्क्स दिए. उसके बाद अब हम अभी मैंने नेक्स्ट पेज पे भी लिखा है इस क्वेश्चन का, तो सोचो 2 मार्क्स में मैंने कितना सारा लिखा है, स्टिल मुझे 1.5 मिले. तो यही चीज़ है कि आपको बहुत अच्छे से करने हैं अपने पेपर. अब नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर डी की तरफ पढ़ते हैं. तो क्वेश्चन नंबर डी यानी क्वेश्चन नंबर 4th जो आया था वो लाइटनिंग और वेंटिलेशन से रिलेटेड था. तो इसमें मुझे 1 मार्क मिला है. ये देखिए आई थिंक मैंने प्रॉपर फ्रेम नहीं किया या जो भी था, लाइटनिंग और वेंटिलेशन. देन क्वेश्चन नंबर थ्री जो है इसमें फर्स्ट एड के बारे में दिया हुआ है आपका, और प्रिंसिपल्स ऑफ फर्स्ट एड है, देन फ्रैक्चर है, अभी दिखाऊंगी, सिर्फ क्वेश्चन रिव्यू कर रही हूँ, देन नोज ब्लीडिंग है. तो क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 यानी पार्ट 3, 5 मार्क्स ईच. तो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में तो आया था डिफाइन फर्स्ट एड, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ फर्स्ट एड, ये देखिए आपको ये दिख रहा होगा प्रॉपरली. उसके बाद नेक्स्ट पेज पे पूछा था, मतलब नेक्स्ट इसी क्वेश्चन का ही पार्ट है, उसमें ये पूछा था इन्होंने कि एक्सप्लेन द कॉजेस सिम्टम्स एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रैक्चर एंड नोज ब्लीडिंग. तो ये देखिए ये फ्रैक्चर का है और उसके बाद ये मेरा नोज ब्लीडिंग का है. और ऐसे टेबल में ही बनाकर लिखोगे इट वुड बी बेटर फॉर यू एंड द एग्जामिनर एज वेल, वो अच्छे से मार्क्स आपको दे देंगे. तो इसमें मुझे 4 मार्क्स मिले थे, क्योंकि देखो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, कंक्लूजन नहीं लिखा. तो आपको इसके बाद कंक्लूजन लिखना है कि व्हाट यू विल कंक्लूड अबाउट दिस आंसर. देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इसी का ही प्ले के बारे में आया था, डिफाइन प्ले, टाइप्स ऑफ प्ले एंड एक्टिविटीज रिलेटेड टू फिजिकल प्ले, इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंसिंग इनडोर एंड आउटडोर जो आपका टॉपिक है सीधा वो आया हुआ है. तो क्वेश्चन मैं दिखा देती हूँ, ये देखिए पूरा मैंने पहले प्ले के बारे में लिखा, उसके टाइप्स लिखे, देन आफ्टर मैंने लिखा है इसका, इसी का इंट्रोडक्शन है, ये प्ले का ही पूरा इंट्रोडक्शन मैंने दिया हुआ है 2 पेज का. उसके बाद मुझे यहाँ पे इम्पोर्टेंस देनी थी बैलेंसिंग इंडोर और आउटडोर को बैलेंस करने में एज अ प्री स्कूल टीचर, मतलब मैं प्री स्कूल टीचर हूँ और मुझे इम्पोर्टेंस बतानी है कि मैं इंडोर और आउटडोर को बैलेंस करके चलूँ गेम को, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है. मैंने वो प्रॉपर नहीं लिखा, मैंने पता नहीं क्या लिख दिया था, मुझे नहीं पता अभी, लेकिन एक्चुअली पता नहीं ये मतलब अलग नहीं लिखा, लिखा पेज से रिलेटेड ही है कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आप करा सकते हो. तो ये भी आप दे सकते हो इंडोर और आउटडोर प्ले के लिए, लेकिन आपको उसमें इम्पोर्टेंस लिखनी है, वो तब लिख देना जब मैं ये क्वेश्चन मतलब ये टॉपिक कवर करा दूंगी. इसके बाद यहाँ पे मैंने ये एक्टिविटीज़ ही लिखी हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मील प्लानिंग. तो क्वेश्चन आया था व्हाट इज मील प्लानिंग, व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट मील प्लानिंग, देन क्वेश्चन इसी में था राइट द डाइट फॉर लैक्टेटिंग मदर्स, लैक्टेटिंग मदर्स की आपको डाइट लिखनी थी, बस ये क्वेश्चन इतना था. डोंट वरी मैं क्वेश्चन पेपर दिखा दूंगी. तो मील प्लानिंग ये रहा, मैंने मील प्लानिंग के डेफिनेशन इंट्रो दिया है. उसके बाद नेक्स्ट पेज पे भी आई थिंक मैंने फैक्टर्स शुरू कर दिए हैं, फैक्टर्स को पहले मैंने ये, अब मैं यहाँ पर फ्लो चार्ट बना सकती थी, मैंने नहीं बनाया, पर आप लोग ऐसी गलती मत करना, आप ऐसे यहाँ पे फ्लो चार्ट बनाना, फैक्टर्स अफेक्टिंग मील प्लानिंग. देन उसके बाद मैंने ये सारे फैक्टर्स को एक्सप्लेन करना शुरू किया 1 by 1. ये देखिए ये सारे फैक्टर्स मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ. फैक्टर्स को एक्सप्लेन करने के बाद क्वेश्चन था डाइट फॉर लैक्टेटिंग मदर. अब डाइट ना मैंने डाइट चार्ट डायरेक्ट शुरू कर दिया क्योंकि टाइम नहीं बच रहा था, मैंने बस फटाफट मुझे ख़त्म करना था पेपर, तो डाइट के लिए टाइम नहीं बचा था. लेकिन मुझे यहाँ पर मेरे एग्जामिनर ने दिया है रिमार्क कि आपको इंट्रोडक्शन लिखना है कि इम्पोर्टेंस ऑफ फूड फॉर प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर, इन सब के बारे में लिख के आपको डाइट चार्ट बनाना है. ये देखिए अगर आपको डाइट चार्ट एक बार देखना है तो वो आप देख सकते हो, ये मैंने प्रॉपर यहाँ पे डाइट चार्ट बनाया था और मेरा बिल्कुल डाइट चार्ट ठीक था. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी 4th क्वेश्चन, आई थिंक 10 मार्क्स के स्टार्ट हो गए. यस 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया यानी लॉन्ग क्वेश्चंस. तो लॉन्ग क्वेश्चंस आए थे मेरे
फर्स्ट था हेल्थ के बारे में, तो हेल्थ प्रॉस्पेरिटी और फैक्टर्स इन्फ्लुएंस गुड हेल्थ, देन इसमें आई थिंक इतना ही था। ये देखिए आप देख लीजिए, मैं हमेशा बोलती हूँ मैं कोर्ट से ही स्टार्ट करती हूँ, आई थिंक मैं ये आपको बता चुकी हूँ बहुत बार। ये देखिए ये हेल्थ का है, ये भी मेरा हेल्थ का ही इंट्रोडक्शन है। ये देखिए आप राइटिंग की प्लीज चिंता मत करना, ना मेरी राइटिंग देखो कि इतनी गंदी बहुत जल्दी लिखी हुई, भाई एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में राइटिंग कोई नहीं देखेगा, कितना सुंदर आपने लिखा है कोई नहीं देखेगा, सिर्फ ये देखेगा कितना जल्दी अटेम्प्ट किया है पेपर, सारा अटेम्प्ट किया ही नहीं किया और वर्थ इट, और जो एक्चुअल जो मांगा है क्वेश्चन में वो लिखा है या नहीं, इसके अलावा कोई एग्ज़ाम में कोई कुछ नहीं देखने वाला। तो प्लीज़ राइटिंग पे फोकस मत करना अपनी, अपना आंसर बस हाँ इतनी सही लिखना कि समझ आइए, मेरे को भी समझ आ रही है, मेरे एग्जामिनर को भी समझ आ रही थी तो इसलिए मुझे मार्क्स भी मिल गए। अब ये देखिए फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स के बाद इन्हीं फैक्टर्स को आई थिंक मैंने एक्सप्लेन किया है, यस हेरिडिटरी फैक्टर्स की हेडिंग डाल के उसको एक्सप्लेन कर दिया, देन एनवायरमेंटल फैक्टर्स की हेडिंग डाल के एनवायरमेंटल को एक्सप्लेन कर दिया। वही चीज़ दोबारा बोल रही हूँ, प्लीज़ आप लोगों की गलती मत करना यहाँ पर। अब जैसे यहाँ ये ख़त्म हो रहा है ये वाला आंसर, तो राइट डाउन कंक्लूजन एट द एंड, आपको कंक्लूजन लिखना है। ये देखिए यहाँ पे कंक्लूजन लिखना है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर कॉमन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एलिमेंट्स एंड डिस्क्राइब टाइफाइड और जॉन्डिस को आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये देखिए पहले मैंने कॉमन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो हमारी डिसीज होती हैं उनको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, एलिमेंट्स को उसका इंट्रोडक्शन दिया है, देन मैंने टाइफाइड के बारे में इंट्रोडक्शन देके उसकी टेबल बनाई है। टेबल बनाने के बाद पूरी टेबल मेरी नेक्स्ट पेज पे कवर हुई है। देन आफ्टर जॉन्डिस को हम हेपेटाइटिस बी भी बोलते हैं। तो ये देखिए जॉन्डिस हो गया, ये वाले टॉपिक्स हम सारे कवर कर लेंगे धीरे धीरे, डोंट वरी अबाउट दैट। ये देखिए आप 7 मार्क्स मुझे इसलिए मिले हैं क्योंकि मैंने यहाँ पर कंक्लूजन नहीं लिखा था, तो प्लीज़ राइट और एड ऑन द कंक्लूजन एट द एंड। मैं यही बोलूँगी कि इस आंसर शीट को देखने के बाद मैं ये नहीं कह रही इस पर फिक्स हो जाओ, सिर्फ आपको आइडिया मिला होगा आंसर्स कैसे लिखने हैं, और एक दो जो गलतियाँ मैं आपको अपनी गलतियों से सिखा रही हूँ कि प्लीज़ कंक्लूजन लिखना, फ्लोचार्ट्स बनाना और बिल्कुल पर्टिकुलर होना अपने आंसर्स के लिए। स्टिल इसमें कहीं प्रॉब्लम आई प्लीज़ मेंशन द कमेंट बॉक्स, और क्वेश्चन पेपर की इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में अपलोड कर दूंगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।